एक बड़े शहर में गुड्डू और बबलू दोनों भाई एक साथ रहते थे। दोनों भाइयों ने कॉलेज भी पूरा कर लिया। उनके परिवार में अब कोई नहीं था, वो अपने चाचा के यहाँ रहते थे। अब हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया, मुझे लगता है भाई कि अब हमें कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। हमें उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे जो हमारे पास नहीं है। हम चाचा से पैसे ले लेते हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है, हम उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं। अब हमें कमाकर उन्हें देना चाहिए, क्योंकि चाचा ने ही माँ बाप के जाने के बाद हमें पाला है। भाई मुझे लगता है कि हमें अपनी पुश्तैनी हवेली बेच देनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम अपना और चाचा दोनों का जीवन बदल सकते हैं। हाँ बात तो ठीक है, फिर कल सुबह अपने गांव राघवपुर के लिए निकलते हैं। वैसे भी वो हवेली खंडहर है, उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। बबलू और गुड्डू सुबह की योजना बनाकर सो गए। अगली सुबह दोनों भाई उठकर राघवपुर के लिए बस में बैठकर निकल गए और कुछ घंटों बाद अपने गांव पहुंच गए। अब यहां कैसे पता चलेगा कि हमारा घर कौन सा है? चाचा ने बताया तो था कि जो सबसे बड़ा घर होगा वही हमारा घर होगा। हाँ, और सबसे पुराना भी होगा। कोई नहीं, चलकर ढूंढते हैं। दोनों भाई अपनी पुश्तैनी हवेली ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें एक आदमी राजू मिला। अरे भाई, ये राघवपुर गांव ही है ना? नहीं, ये जनकपुर है। लेकिन बस वाले ने तो यही उतारा था। जब बस वाले ने यही उतारा था तो यही होगा। अजीब पागल है, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा उत्तर नहीं दे रहा है। तुझे मैं पागल लगता हूँ क्या बे? ठीक है भैया, हमारी गलती है। अब हमें ये बता दीजिए कि यहाँ सबसे ट्रिपी हेडलाइट्स, यहाँ सबसे पुरानी हवेली के लिए रास्ता कहाँ से जाता है? एक बड़े शहर में गुड्डू और बबलू दोनों भाई एक साथ रहते थे। दोनों भाइयों ने कॉलेज भी पूरा कर लिया। उनके परिवार में अब कोई नहीं था, वो अपने चाचा के यहाँ रहते थे। अब हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया, मुझे लगता है भाई कि अब हमें कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। हमें उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे जो हमारे पास नहीं है। हम चाचा से पैसे ले लेते हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है, हम उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं। अब हमें कमाकर उन्हें देना चाहिए, क्योंकि चाचा ने ही माँ बाप के जाने के बाद हमें पाला है। भाई मुझे लगता है कि हमें अपनी पुश्तैनी हवेली बेच देनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम अपना और चाचा दोनों का जीवन बदल सकते हैं। हाँ बात तो ठीक है, फिर कल सुबह अपने गांव राघवपुर के लिए निकलते हैं। वैसे भी वो हवेली खंडहर है, उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। बबलू और गुड्डू सुबह की योजना बनाकर सो गए। अगली सुबह दोनों भाई उठकर राघवपुर के लिए बस में बैठकर निकल गए और कुछ घंटों बाद अपने गांव पहुंच गए। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि हमारा घर कौन सा है? चाचा ने बताया तो था कि जो सबसे बड़ा घर होगा वही हमारा घर होगा। हाँ, और सबसे पुराना भी होगा। कोई नहीं, चलकर ढूंढते हैं। दोनों भाई अपनी पुश्तैनी हवेली ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें एक आदमी राजू मिला। अरे भाई, ये राघवपुर गांव ही है ना? नहीं, ये जनकपुर है। लेकिन बस वाले ने तो यही उतारा था। जब बस वाले ने यही उतारा था तो यही होगा। अजीब पागल है, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा उत्तर नहीं दे रहा है। तुझे मैं पागल लगता हूँ क्या बे? ठीक है भैया, हमारी गलती है। अब हमें ये बता दीजिए कि यहाँ सबसे पुरानी हवेली के लिए रास्ता कहाँ से जाता है? मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन मैंने कभी इस रास्ते को कहीं भी जाते हुए नहीं देखा है। शायद जाना तुमको ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम हमें माफ कर दो, हम खुद चले जाएंगे, ठीक है? मेरी मर्जी, मैं तुम्हें माफ करूं या नहीं है? अजीब आदमी है यार, चलो भाई चलते हैं। इसके सच में ही स्क्रू ढीले हैं। राजू अकेले ही खड़े होकर हंसने लगा। गुड्डू और बबलू दोनों पुरानी पुश्तैनी हवेली को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों राघवपुर की गलियों में इधर से उधर देख रहे थे, तभी उन्हें एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी जो अब खंडहर बनने लगी थी। ओह, ये हमारी हवेली, इसको हम ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे। हाँ चलो, अब इसके अंदर चलते हैं और इसको एक दो दिन में ही बेच देंगे। हाँ, हमें इसे जल्द से जल्द बेचना होगा।
दोनों भाई अंदर गए, तभी अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति भीखू निकल कर आया। कौन है इस खंडहर में, आज कौन आया है? काका आप कौन है? हम इस घर के मालिक हैं, लेकिन आप कौन है? इस घर के मकान मालिक? अरे कम से कम मुझ बूढ़े से झूठ मत बोलिए। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे ऐसे ही बता दीजिए। काका आप भी कमाल करते हो, जब आपको बता दिया कि हम ही इस घर के मालिक हैं, फिर भी आप बेवजह हमारा समय खराब कर रहे हो। और काका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आप हमारे घर में रह रहे हो। हम इस हवेली के वारिस हैं, गुड्डू और बबलू। ठीक है बच्चों, अगर तुम इस हवेली के अपने होने का दावा करते हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं इस घर की रखवाली करता आ रहा हूँ। ठीक है काका, आप हमारे परिवार के बारे में कुछ जानते हो क्या? मैंने इस घर के मालिकों की नौकरी की है, लेकिन मैं तुमको तभी कुछ बता पाऊंगा जब तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। कैसी परीक्षा? इस घर के मालिक ने एक पुश्तैनी कुल्हाड़ी इस हवेली में गाड़ दी थी, तुम्हें उस कुल्हाड़ी को उखाड़ना होगा। लेकिन हम उस कुल्हाड़ी को क्यों उखाड़ेंगे? क्योंकि अगर तुम उस कुल्हाड़ी को उखाड़ पाए तो यह साबित हो जाएगा कि तुम इस घर के असली वारिस हो। कुछ समझे नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुल्हाड़ी उखाड़ना भी इतना बड़ा काम होता है क्या कि उसी से हमारे बारे में पता चलेगा? हाँ, अगर तुमने उस कुल्हाड़ी को उखाड़ दिया तो मैं मान जाऊंगा कि यह घर तुम्हारा ही है, क्योंकि इतने वर्षों से यहाँ अनेक दावेदार आ चुके हैं, लेकिन उस कुल्हाड़ी को कोई भी नहीं उखाड़ पाया है। ये कैसी परीक्षा है, ये मेरे लिए अजीब है। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ पापा के बारे में भी बताऊंगा। हमारे माँ पापा का देहांत हो चुका है, इसके अलावा कुछ और भी रहस्य है। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम दोनों परीक्षा देंगे, लेकिन उस कुल्हाड़ी को उखाड़ने के बाद क्या होगा? ये सब तो तुम्हें कुल्हाड़ी उखाड़ने के बाद ही समझ आएगा, क्योंकि जादुई कुल्हाड़ी है तो कुछ तो खास होगा। ठीक है, कुल्हाड़ी कहाँ है? बेटा देख लेना, अगर तुम सच में इस हवेली के वारिस हो तभी इस कुल्हाड़ी को उखाड़ने की कोशिश करना, वरना जान से भी हाथ धो सकते हो। हम सही हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है, इसलिए अब जल्दी से उस कुल्हाड़ी के पास ले चलो। भीकू उन्हें हवेली के अंदर ले गया, वहाँ एक पेड़ था। ये पेड़ की जड़ में जो कुल्हाड़ी है तुम्हें उसे उखाड़ना है, ठीक है? वैसे आज तक कोई पहली परीक्षा को ही पास नहीं कर पाया है, अगर तुमने इसे उखाड़ दिया तो मैं तुम्हें आखिरी परीक्षा दूंगा। इतनी सी कुल्हाड़ी के लिए हमें डरा रहे थे, इसको उखाड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। हाँ ठीक है, अब इसको उखाड़ो, अगर तुम सच में इस हवेली के वारिस निकलोगे तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, इसे अभी उखाड़ता हूँ और आपको जल्द ही जिम्मेदारी से मुक्त कर दूंगा। बबलू ने कुल्हाड़ी को पकड़ा, लेकिन उसे वो हिला भी नहीं पाया। क्यों, तुम भी झूठे हो, तुम भी माया के लालची निकले और मेरा दिल फिर से तोड़ दिया। मुझे बच्चों का इंतजार है। आप हमारा विश्वास कीजिए, ये घर हमारा ही है। तुम असफल हो चुके हो। रुकिए, अभी मैंने कोशिश नहीं की। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो, और हाँ, जब कोशिश करके थक जाओ तो यहाँ से चुपचाप चले जाना, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने बाकी सबका किया है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड्डू ने भी कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी इस बार भी नहीं हिली। भीकू निराशा लेकर पीछे मुड़कर वापस अपनी टूटी खाट पर जाने लगा। गुड्डू और बबलू ने एक साथ कुल्हाड़ी को पकड़ा तो इस बार चमत्कार हो गया, क्योंकि इस बार बिना किसी मेहनत के कुल्हाड़ी हाथ में आ गई। अचानक से एक बहुत तेज आवाज आई। भीकू ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। तुम वापस आ गए, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज इस घर में भी फूल खिल गए। मैंने इसे इतने वर्षों से बंजर ही देखा है, मेरी आंखें तरस गई थी। वो सब तो ठीक है, अब आपको विश्वास हो गया, लेकिन अब इस कुल्हाड़ी का क्या करना है? इस कुल्हाड़ी से तुम्हारे माँ पापा की मुक्ति होगी। हमारे माँ पापा तो इस दुनिया में नहीं है। अभी तुम दूसरी परीक्षा भूल रहे हो, अब तुम्हें इस पेड़ की जड़ को काटना होगा। बाबा ये पेड़ कटकर हमारे ऊपर गिर जाएगा, आप क्यों हमारा पागल बना रहे हो? इससे ये साबित हो गया है कि ये हवेली हमारी है। अब आप यहाँ से जाइए। मेरे यहाँ से बाहर निकलते ही तुम जीवित नहीं रह पाओगे। हाँ हाँ बहुत हो गया, अब हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। तुम्हें अपने माँ पापा का सच जानना है कि नहीं? हाँ। पहले तुम्हें पेड़ की जड़ काटनी होगी। गुड्डू ने कुल्हाड़ी हाथ में लेकर पेड़ की जड़ काटनी शुरू कर दी, लेकिन पेड़ की जड़ पत्थर के समान थी, वो कट ही नहीं पा रही थी। गुड्डू को पसीने आ गए, फिर बबलू ने कोशिश की, वो भी थक कर दूर बैठ गया, लेकिन गुड्डू ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। पेड़ की जड़ कट गई और फिर उसमें से एक पीला प्रकाश निकला,
देखते ही देखते पूरा घर पीले प्रकाश से भर गया, जिसके बाद पूरी हवेली नई हो गई और दोनों के माँ पापा भी बाहर निकल आए, वो भी आजाद हो गए। दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने माँ पापा से मिल रहे हैं। मैं जानता था कि हमारे बच्चे हमें आजाद कराने आएंगे। आज वर्षों बाद मैं अपने बच्चों को देख पा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमने बहुत इंतजार किया है, ईश्वर ने आज हमारी सुन ली। माँ पापा, ये सब कैसे हुआ? हाँ बताइए ना। आज से वर्षों पहले हम और तुम्हारे चाचा चाची यहीं गांव में रहते थे। दोनों भाई राम सिंह और अमर सिंह घर के आंगन में बैठे थे। भीकू भी वहीं पर खड़ा था। भैया मुझे घर में हिस्सा चाहिए। अरे छोटे, तू ऐसी बातें कर रहा है? तू जो चाहेगा मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तू बंटवारे पर उतर आया?